वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो अभी हम आज व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम पता नहीं कौन कहाँ पे हैं। अभी हम हैं, देखो हाँ बता दो। और एट गैस, तो अभी हम गर्म पानी पे हैं। यहाँ से भी लगता है 2-2.5 घंटा, तो फिर पहुँच जाएंगे हम हल्द्वानी। तो हमें तो काठगोदाम उतरना है क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है, जैसे कि आपको बताया था हमने। एंड अभी हम बस पे हैं, अभी जस्ट निकली है, बाकी सभी लोग जा रहे हैं। हेलो कर दो एक बार। हेलो 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 मोना से हाय। तो अभी हम देखते हैं कि कब तक पहुंचेंगे। लगभग यहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता अप्रॉक्स हमें लग ही जाता है। सो देखते क्या रहता है। और शाम की तो हमारी ट्रेन है, तो एंजॉय करते रहना ब्लॉग को। तो ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अल्मोड़ा टू दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो, तो एक सबसे अच्छा आइडिया ये रहता है कि आप पहले एक काम करो, ऐसे जैसे कि आप ना यहाँ से आप बस से चल जाओ एंड तो रिजर्वेशन करवाओगे तो क्या रहता है, थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है और थोड़ा रिलैक्स भी रहता है। तो यहाँ से आप हल्द्वानी जाओगे, काठगोदाम से आप आओगे, तो वो आपको दूसरे दिन छोड़ती है। जैसे कि अभी 8:30 की मेरी ट्रेन है, तो मेरे को 5 बजे या 4:30 बजे, हाँ अप्रॉक्स इतने बजे मुझे दिल्ली छोड़ देगी, ओल्ड दिल्ली छोड़ देगी वो। तो ये सब कुछ रहता है। तो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको दिल्ली अल्मोड़े से दिल्ली जाना है तो आप ऐसे ही करो, जो शाम की ट्रेन रहती है ना रानीखेत एक्सप्रेस, उसमें बहुत वेटिंग आती है। तो एक मतलब एक हफ्ता पहले आप अपना रिजर्वेशन करवा दो, बाकी आप यहाँ से अल्मोड़े से तो बस में जाओ और फिर काठगोदाम से अपनी ट्रेन ले लो, वो बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है। बाकी आराम से भी रहेगा, थोड़े सोते सोते जाओगे तुम लोग। तो अभी देखते कि क्या रहता है, हमने तो ब्रेक करा है एंड जो भी अब खाना पीना देखते हैं भी क्या रहता है। ठीक है, लता तो चाउमीन नहीं खाएगी। चाउमीन खाएगी है, करण नहीं खिला रहा, मैं खिला रहा हूँ, मैं पागल सी। सो गाइस ये है रोडवेज बस जो कि हल्द्वानी बरेली सीतापुर लखनऊ, तो उसका लास्ट स्टेशन है लखनऊ, तो ये लखनऊ को जा रही है। बाकी हमने वहाँ करा रखी चाउमीन एंड चाउमीन तो बननी है, फिर खाते हैं। तू खाती चाउमीन? नहीं खाती तू, बेटे खाती है? और फिर कैसा लग रहा तुझे को बता पहले, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, चक्कर आ रहे, फिर वॉमिटिंग होती है नहीं होती? गाइज ये ना कैमरा फेस करने में ऐसा कैसा लग रहा है फिर आपको, क्या क्या करा तूने, क्या छुपाया? देखो गाइज नाखून खाती है, पकड़ी गई, गंदे गंदे नाखून खा रही है गाइज, दिखा। ओहो क्या बात, कैसी लगी? सर दर्द ठीक हो रहा था? घुमारी तो नहीं लग रही? घुमारी तो नहीं लग रही थी तुझे? लग रही घुमारी? कर काम, काम कर आया है, चल रिलैक्स, मिल रहा होगा रिलैक्स। ऐसी पहाड़ों में ना छोटे छोटे मंदिर हो रहता है, तो ये श्री राम जी का मंदिर है। तो ऐसे जो मंदिर है ना आपको मतलब बहुत जगह दिख जाएंगे पहाड़ पे ऐसे बने हुए, इसलिए यार गाइस देवभूमि कहते हैं इसको, तो देवों की भूमि होती है, ऐसे पूरे पहाड़ में बसे हमारे देव, इसलिए देवभूमि कहा जाता है पहाड़ को भी। तो ये चीज़ है एंड अभी तो लग रही है हमारी चाउमीन, तो चाउमीन लग गई यहाँ पे, तो चाउमीन खाते हैं बस। है मोना, है मोना, मोना शुरू हो जाती है पहले ही, तो खाओ खाओ पहले खा लेते, पहले खा लेते हैं एक बार, हट जाए बस एक ही बार। इस्माइल मोना गाइस फाइनली वी आर एट हल्द्वानी, अभी तो हम काठगोदाम है एंड हमारे बैग देख रहे हो तुम, इतने सारे बैग है ना भाई साहब। और अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, तो मैंने ना मतलब इतना ट्रैवल करा मैं आप पहली बार देख रहा हूँ यार, ये देख रहे हो कितना सही लग रहा है भाई, ये देखो आज पहली बार देख रहा हूँ मैं इतना घूमने के बाद। अभी तो रानीखेत एक्सप्रेस तो लग गया आगे, बट क्या है ना इसके अभी डब्बे जुड़ रहे हैं, तो आधा तो इस पर आई है, आधी वो वहाँ पे दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आधी आधी है, तो रानीखेत एक्सप्रेस यहाँ पे ही लगेगी। अभी स्टार्ट तो नहीं होगी यार क्योंकि 8:35 का उसका टाइम है। तो अभी हम लास्ट पे आ गए हैं कोने पे एंड यहाँ पे चलिए अभी पटरी की धुलाई, और बाकी व्यू देखो तुम कितना सही आ रहा है भाई, यहाँ से ट्रेन एंड पीछे से पहाड़ गाइस। गाइस तो ना अभी हम सब बैठ गए कोच पे, S5 हमारा कोच है, तो सारे हम लोग बैठ गए। अभी मैंने मीठा पान खाया था ना, होट लाल लाल, तो ना हम ऐसे घूमते रहते हैं 8 बजे तक, हम ऐसे ही आड़ते रहते हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसे घूमते रहते हैं,
8 बजे तक हमें ऐसे घूमना है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, मतलब अपने टाइम से हम पहले पहुंच गए थे ना। भी अभी आगे जा रहे हैं और आपको इंजन दिखाता हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि इस स्टेशन पे ये रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है हमें, और टाइम तो नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा रहता है, मतलब 5 मिनट 2 मिनट का गैप रहता है। और अभी देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। राइट गाइस, तो ये लगा है इंजन हमेशा की तरह आगे से, आगे लगता है ना इंजन तो। अब यार मैं कुछ भी बोलता हूँ, और बाकी ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी चलते हैं देखते हैं कि क्या करता है। ये सब बैठे हैं पड़े ऊपर, देखो कौन बैठा है। हेलो इसके ऊपर सबसे पहले ऊपर पहुँच गई है, बाकी ये है वो हमारी बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी को घुमाने लग गई थी, खाना पीना खा लिया हमने। हेलो करण मेरे भाई, सही हो रहा क्या? दू नहीं कैप नहीं कैप दे। कैसा लग रहा तुझे ऊपर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा होगा उसमें क्या है? पुष्पा गाइस, ये पुष्पा मूवी मांग रहे हैं मुझसे, शेरिट से ले लो। चलो झुकेगा नहीं साला, कहो एक बार ये कहेगी, ये कहेगी कहो झुकेगा नहीं साला। तो उधर आगे आगे जो ट्रेन है रामनगर जैसलमेर की जा रही है, रामनगर जैसलमेर। और अभी तो हम मुरादाबाद पे, तो आधे घंटे के यहाँ पे ट्रेन रहता है। एंड अभी देखते हैं फिर क्या करते हैं, बाकी तो सब लोग सोए हैं, मैं बाहर से आया हूँ जस्ट। मैंने कहा थोड़ा बाहर चल जाओ यार, तगड़ा है ना यार। अभी देखते हैं कि क्या रहता है, बाकी सब लोग तो सोए, अंदर अंधेरा हो रहा है, सब सोए पड़े। अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:15 का हो रहा है, तो जो हमें अप्रॉक्स हमें दिल्ली जो पहुँचाएगी ये वो 3:30 बजे में पहुँचाएगी। तो देखते हैं कि क्या रहता है, एंजॉय करो फिर ब्लॉग का। गाइस तो अभी देखो मोना सोई पड़ी है, एंड ये तो ये इसलिए सोती नहीं है, तो सोती नहीं है। और सब सीनू जी को देखो, और नीचे बड़ी मम्मी है, और ये करण है, और नीचे मानसुदा। तो यहाँ पे सोए पड़े हैं, तू सो भी नहीं रही है, सो भी नहीं रही तू। तो अभी मुरादाबाद पहुँचेंगे। राइट गाइस, तो ये है लाल किला, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा यार यहाँ से, बट अब क्या ही दिखाऊं यार, अब ये दिख रहा था यहाँ से पास से, बट इसकी क्वालिटी नहीं है, इतनी गंदी क्वालिटी ना यार, ये था यार थोड़ा सा बना हुआ, बट देख रहे हो यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा आपको, ये था, बट कोई नहीं यार, पूरा लाल किला है बट दिख नहीं रहा यार अच्छी कंडीशन खराब। फाइनली वी आर एट पुरानी दिल्ली, तो अभी हम पुरानी दिल्ली आ गए। देन अभी हमें क्या करना है पता है, तो हमें अभी कश्मीरी गेट के लिए गाड़ी लेनी है, क्योंकि आगे से हमें मिल जाएगी। तो अभी सभी लोग जा रहे हैं, ये देख रहे हो हमारी हालत, एक ये है एक पीछे से बैग है, इतना खतरनाक बैग है ना भाई साहब, पता नहीं क्या भर रखा है यार, क्या भर रहा है तुम्हें यार इसमें। गाइस तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे गेट से ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 15 मिनट लगेंगे, फिर पहुँच जाएंगे, मस्त और नींद निकालेंगे यार, और कुछ नहीं होता। बाकी सब पीछे से आ रहे हैं, देखो ओल्ड दिल्ली का स्टेशन पूरा पूरा देख लो कितना बड़ा है भाई साहब, ये स्टेशन है पूरा। गाइस तो अभी हम ना यहाँ पे पता है पुरानी दिल्ली से स्टेशन से आ गए हैं, एंड बड़ी मम्मी लोग तो सब ऑटो में चली गए, हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट पैदल ही जा रहे हैं यहाँ से, हमने कहा पैदल ही चल लेते हैं, तो वो 3 लोग तो चले गए हैं ऑटो पे, अभी हम आगे कश्मीरी गेट जाएंगे, देन फिर देखते हैं क्या रहता है। ठीक है ठीक है, तो मैं ऐसा कहता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चल रहा है अभी सीन, और अभी सुबह के बज चुके 4 बजे, तो अभी उजाला भी होने वाला है, बट अभी तो अंधेरा ही है, अभी हो जाएगा उजाला भी, क्या है उसमें। तो देखते हैं कश्मीरी गेट से बस मिलती है, तो बाकी तो एंजॉय करो ब्लॉग को यार। मानसुदा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा, पहाड़ों से अच्छा नहीं लग रहा होगा यार, है पहाड़ों से अच्छा लग रहा है? हाँ यार, पहाड़ कहाँ देखने को मिलते हैं यार यहाँ। तो यहाँ पे देख रहे हो रात भी, मतलब ना पूरी सुबह की तरह लगती है, इतनी गाड़ियाँ चलती है ना यार भाई साहब सुबह के 4 बजे। बाकी तो वह है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, एंड अभी आँखों में जो नींद है ना यार गाइस, मैं मतलब पूरे रात भर नहीं सोया मैं और लता, लता को तो नींद नहीं आई है, लता
दाता की तो बिल्कुल नींद नहीं आई है और मुझे भी नहीं आई है, बाकी और सब लोगों ने तो एक एक झपकी मारी यार। सही बताओ तो पिक्चर देख रहे थे गाइस, पुष्पा पिच पर मेरी जवान फिसल गई गाइस, सॉरी। पुष्पा पिक्चर देख रहे थे हम, पिक्चर झुकेगा नहीं साला, ज्यादा ही दीवाने हो गए हम। गाइस तो कश्मीरी गेट भी पहुंच गए एंड यहाँ से अब बस का इंतजार करते हैं। अब गाइस तो हमें ऑटो मिल गया है तो अभी पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में। देख रहे हो तुम पूरा अल्मोड़े से लेके यहाँ तक पहुँचाई दिया है आपको अपने साथ। सो गाइस यार अब नींद आ रही, सो जाते हैं थोड़ा। बाकी यार आपको कुछ नहीं करना है, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी व्लॉग्स मैं आपको देते रहूँ और आप इंजॉय करते रहो, तो ठीक है। एंड अभी देखते हैं कि मॉर्निंग पर हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, बहुत जगह मतलब देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे बता देंगे आपको। तब तक के लिए आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल में घंटा ना घंटा उसको सेट कर दे, ठीक है। उससे ये होगा जो भी मैं वीडियो देगी उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चाओ एंड सब्सक्राइब करो, तब तक।